उसके बेस पे पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ येलो लाइट इन अ सर्टन लिक्विड गिवन है, वी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकालना है, फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वी, सी पता है स्पीड ऑफ लाइट और वी पता है, यहां से सॉल्व करके आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द लाइट विजिबल ह्यूमन बींग, ये क्या गिवन है, लैम्डा वन, ये क्या गिवन है, लैम्डा टू। लैम्डा वन की वैल्यू क्या है, 400 × 10⁻⁹ मीटर, ये लैम्डा वन है। लैम्डा टू क्या है, 700 × 10⁻⁹ मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट, देखो सी क्या है, न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या है, सी बाय लैम्डा, तो न्यू वन क्या है, सी बाय लैम्डा वन, न्यू टू क्या है, सी बाय लैम्डा टू। आपको ये चारों वैल्यूज पता है, सॉल्व करके आपके पास फ्रीक्वेंसी की रेंज आ जाएगी, आंसर है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे सोचना आपने इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोडियम सोर्सेज गिवन, तो 589 नैनोमीटर है ये आपके पास वेवलेंथ गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन वाटर, देखो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ये सोडियम है और आपको किस में निकालना है, वाटर में। क्या कराया था, जो भी एक्चुअल वेवलेंथ है जैसे सोडियम में और आपको किस में निकालना है, वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या कर देंगे, डिवाइड, जिस मीडियम का लैम्डा निकालना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो आपको ये पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सॉल्व करके आंसर, नहीं तो 10⁻⁹ नहीं करोगे तो नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें कैसे करना, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, लाइट ट्रेवल्स इन अ सर्टन डिस्टेंस इन 3 माइक्रोसेकेंड, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट और कितने टाइम की वैल्यू गिवन है, 3 × 10⁻⁶ सेकेंड। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर लाइट टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन एयर, ये वाटर की बात हो रही है, वाटर में, वाटर में ये है और एयर के अंदर एक्स तो सेम है, टाइम एयर में निकालने क्या होगा और टाइम वाटर के अंदर गिवन है। ठीक है, मेरे को एक चीज पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब यहां से वाटर की बात हो रही है, वाटर में स्पीड क्या होगी, वाटर में देखो स्पीड होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, और यहां से स्पीड क्या आएगी, सी क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां से म्यू वाटर विल बी इक्वल टू सी, सी का मतलब क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय टाइम इन एयर, और वाटर में क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय टाइम इन वाटर, ये कट गया तो क्या आएगा, टाइम वाटर टाइम एयर, तो ये रेशियो म्यू के इक्वल है, म्यू पता है, टाइम आपको इस क्वेश्चन में वाटर में पता है जो कि 3 × 10⁻⁶ सेकेंड है, एयर के अंदर टाइम कैन बी कैलकुलेटेड, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, तो ये वेवलेंथ किसमें गिवन है, रेड लाइट वेवलेंथ गिवन है, एंटर द ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये 8 है, एस नहीं है, ये 8 है, तो सी की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट इन ग्लास फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ग्लास के अंदर अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है, गिवन किसमें है,
ये वैक्यूम है, वैक्यूम में 780 है, निकालनी ग्लास में है, तो क्या करेंगे वैक्यूम की वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से क्या कर देंगे डिवाइड। आज फॉर्मूला किया तो ऑब्वियसली अगर ग्लास में आपसे सेकंड में थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, अगर वेवलेंथ ग्लास में निकाल रहा है तो पहली वेवलेंथ बाय डिफॉल्ट किस में गिवन है, एयर में ही गिवन है या वैक्यूम में गिवन है, तो ये फॉर्मूला, तो ग्लास के लिए जो लैम्डा आएगा वो जो भी वैक्यूम के लिए था जो कि कितने हैं 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर को म्यू ग्लास से क्या कर देना है डिवाइड। तो एक तो आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। दूसरा, अब अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं, वैक्यूम में आपको लैम्डा ऑलरेडी गिवन है 750 नैनोमीटर, आपको स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, आपको क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो आपको c पता है, लैम्डा वैक्यूम पता है, सॉल्व करके क्या आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मैंने क्या सिखाया था कि एक फैक्टर को कभी चेंज नहीं होता और वो क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो वैक्यूम में आई वही किस में आएगी ग्लास में आएगी, तो ग्लास में आ गई। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक, वैक्यूम और ग्लास की फ्रीक्वेंसी सेम कर दी, राइट तो सेम आंसर आएगा। अब ग्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी पता है, ग्लास का लैम्डा पता है, क्या निकालनी है आपको इसमें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ग्लास में क्या होगी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, आंसर। ग्लास का लैम्डा पता है, फ्रीक्वेंसी तो वही एयर वाली या वैक्यूम वाली है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगी ग्लास की वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, तो क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है सिक्स्थ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, एब्सोल्यूट का मतलब बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड वाटर बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट किस में निकालनी है ग्लास में, तो मेरे को जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको इसमें सी पता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पता है, ग्लास की वेलोसिटी आ गई, तो ग्लास की वेलोसिटी आ गई। और ऐसे ही दूसरे केस में वाटर के केस में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये दोनों पता है वेलोसिटी वाटर में आ गई। ठीक, फिर आपको रेशियो निकालनी है ग्लास की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी, डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या लिखेंगे? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, ये क्वेश्चन है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को क्या लिख सकते हैं? क्या सिखाया था? ग्लास नीचे तो ऊपर आ गया, वाटर ऊपर है तो वाटर नीचे आ गया, ठीक ऐसे ही होगा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. इसमें क्या है? सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. तो यहां से ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वाटर बाय ग्लास, ये कट जाएगा, वाटर बाय ग्लास, ये टर्म आ गई आपके पास. तो इसके अंदर ये जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी? 1.125. वाटर की के अंदर आपको क्या निकालना है? वैल्यू गिवन है 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और यहां से ग्लास की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेट. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है 8th. ये करो 9th.
रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया गिवन है, तो एक की थिकनेस 3x है, एक की 2x है. लाइट टेक्स सेम टाइम इन पासिंग थ्रू, टाइम दोनों में सेम है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बी विद रिस्पेक्ट टू ए. इसको ब्रेक करके लिखें, बी नीचे है तो बी ऊपर आएगा, ए ऊपर है तो ए नीचे आएगा. ठीक है, यहाँ तक तो ये रेशियो आ गई. अब मुझे पता है कि इसको क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट ए ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, वी ए डिवाइडेड बाय वी बी. वी ए आप निकाल सकते हो, ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो वी ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3x डिवाइडेड बाय टी, और वी बी क्या लिखेंगे, 2x डिवाइडेड बाय टी. रेशियो निकाल लो आंसर. ठीक है, यहां तक तो क्या क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, ठीक है, सी गिवन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, कितनी, 1.5. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो 10 सेंटीमीटर इन ग्लास, तो ग्लास के अंदर आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन. तो ग्लास का क्या कुछ गिवन है आपको, लेंथ गिवन है 10 × 10⁻²⁪ मीटर, और क्या गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 1.5. ठीक है, तो ग्लास के अंदर अगर स्पीड ये है, तो ग्लास में टाइम निकालना है आपको, तो क्या होगा, टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये होगा. तो आपको यानी कि एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है, अगर आप मुझे वेलोसिटी ग्लास में बता दो आंसर आ जाएगा. तो वेलोसिटी ग्लास में अगर निकालनी है तो यहाँ से निकाल लो ना, ये निकाल लो, ये पता है 3 × 10⁸, वेलोसिटी ग्लास की आ जाएगी, ग्लास की वेलोसिटी को यहाँ पुट करके टाइम आ जाएगा आंसर. तो मेथड सबको क्लियर है कि क्या करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक. तो 10th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11,